इसमें क्या है, इसमें ना पेड़ का तना है ना वो तूफान से गिर गया हुआ है, तो उसको उठा के हमने सबसे पहले जो ट्रेन के कार्ड्स है ना उसमें रखना है। तो अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो आपको पता होगा जो पिछले दो मिशन थे उसमें एक में हमने ट्रेन का इंजन रिपेयर किया था, दूसरे में हमने पटरियां रिपेयर की थी। तो ये ना अब फाइनल मिशन है जिसमें हमने मतलब जो ट्रेन के डब्बे हैं उसमें ना लकड़ी के ये तने रखने हैं और उसको लेके जाएगा ये बाद में। फिर तो चलते हैं भाई अपने ट्रक को लेके। तो पहला वाला कहाँ है? पहला वाला ये स्टील फैक्ट्री के पास ही है, ये रोल स्टील फैक्ट्री के पास ही है। बड़ी गंदी जगह पे पड़ा हुआ है यार भाई ये, तो ये तगड़ी जगह पे फेंका हुआ है इन्होंने, तगड़ा सीन होने वाला है, निकलेगा नहीं आराम से। तो इस मिशन के लिए मेरे को चाहिए था ट्रक जिसके साथ मतलब क्रेन का जो हाथ हो ना वो चाहिए था साथ में। तो फिलहाल तो यही था ट्रक मेरे पास, एक और है पर उसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है फिर ऑफ रोड में। तो भाई इसका सीन ये भी है ट्रक का, फ़ायदा क्या है ना इसका मतलब कि ये शायद ये 10x10 ट्रक है और मतलब एक्सल ज़्यादा है इसके मतलब। तो एक्सल ज़्यादा होने से क्या होता है कि मतलब स्टेबल रहती है गाड़ी ऑफ रोड में भी ज़्यादा, तो इसलिए मैं फिर इसको ले रहा हूँ। और दूसरा चेन चून भी है और टायर भी इसके मतलब पतले वाले हैं, डबल वाले सेट नहीं है, डबल वाला सेट भी तंगी देता है स्टेबलाइजेशन में। भाई बड़ा गंदा रास्ता है यार, कहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया पेड़ का तना अंदर। भाई यार ये तना इस जगह पे कैसे आ गया, किसने फेंका इसको बीच में, और इसका पेड़ कहाँ है नीचे का, नीचे की जड़ कहाँ है इसकी। मिशन में लिखा था इसको ये तूफान से गिरा हुआ है, तूफान से गिरा हुआ तो कहाँ से गिरा ये। चलो जो भी है इसको लेके जाते हैं यार भाई अभी। हाँ तो सीन क्या है, मैं इस ट्रक को लेके आया हूँ अपने साथ में, ट्रेलर लेके आता हूँ। ट्रेलर में इसने ना 5 की जगह खानी थी, मतलब 5 प्लेसेस की जगह खानी थी। तो अब यार 5 वाला ट्रेलर मैंने लिया नहीं हुआ, अगर मैं ले भी लूँ तो उसका ना मतलब वो जो डेक है ना वो ना बड़ा लोअर होता है नीचे ना और तंगी देता है फिर वो निकलने में। तो फिलहाल मैं इसी ट्रक को ले आऊँ, जैसे तैसे करके ट्रक को हम ले जाएंगे। तो भाई फाइनली अपना मतलब जो तना है वो लोड हो गया है, तो इसको लेके जाते हैं, इसको वापस वहाँ पे छोड़ते हैं ट्रेन के पास। तो यार इसकी ट्रिक क्या होती है कि जब भी ना मतलब किसी लंबी चीज़ को ना डेक में ना अटकाना है ना, तो उसके ऊपर जो क्रेन होता है ना, क्रेन से थोड़ा ना मतलब दबाव रख लेना उसमें, मतलब दबा देना क्रेन से थोड़ा सा, तो फिर ना वो आराम से ना अटका रहता है। अब भाई जगह ना काफ़ी टाइट और ट्रक मेरा एक साइड से रगड़ गया ये, आराम से निकालते हैं इस ट्रक को। ये बोल रहा था मैं, देखो अब इस मोड पे जैसे मैंने काटा ना स्टेबिलिटी देखो इस ट्रक की। भाई साहब बड़ी गंदी जगह है, ट्रक ने पूरा जोर लगा दिया और निकल नहीं रहा है, कहाँ फंस गया ये। इस ट्रक का ना बॉटम भी ना मतलब इजीली टच नहीं होता, पर जहाँ पे ना इसकी पेट्रोल की मतलब टैंक कर दी हो ना थोड़ा लो है वो ट्रक की चैसी से ना, तो वहाँ से रगड़ने का डर रहता थोड़ा। भाई साहब नहीं निकला ट्रक, कहाँ फंस गया। ठीक है जाएगा जाएगा, गाड़ी जाएगी अपनी। यहाँ पे ना आगे मेरे को ना खड्डा दिख रहा है और चांसेस 90% है भाई गाड़ी पड़ सकती है यहाँ पे। तो भाई हम ना बिल्कुल आराम से गाड़ी निकालेंगे यहाँ पे, भाई आराम से आप देख लो। ओ भाई 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 गई गई गई, बच गई भाई यार मेरी गाड़ी, बच गई यार वो तेरी तेरी गई यार। यार बड़े आराम से निकालनी पड़ रही है गाड़ी यहाँ से, आराम से। ओ नहीं 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 निकल गई निकल गई यार। ऐसी जगहों पे ना मतलब डर यार मोटा डर लगता है कि ये बार बार लोड करना चीज़ को, मतलब जो जो भी ट्रेलर लियो तो उसको बार बार लोड करना फिर डालना मुश्किल हो जाता है, फिर बार बार टाइम जाता है फिर वेस्ट। आराम से ये तो शुक्र है कि इस गाड़ी में मैंने ना एयर सस्पेंशन लगवा ली हुआ है, ये दूसरा नॉर्मल सस्पेंशन होता तो गई थी हमारी उस पॉइंट पर गाड़ी। भाई अब आराम से निकलेंगे, हर एक जगह से आराम से निकलेंगे।
जो खराब जगह थी वहां से हमने गाड़ी निकाल ली। अब इस ट्रक में पता नहीं यार क्या है ना, मैं जितना भी इस ट्रक से खेलता हूँ ना, मेरे को मतलब ना बोर ही तो नहीं होती इस ट्रक से। मतलब सब कुछ इस ट्रक में, स्टेबिलिटी है, क्रेन है, मतलब 10x10 है इसका। सिर्फ इसका अभी डिफरेंशियल लॉक नहीं खुला, अभी फोर व्हील ड्राइव इसका चल रहा है, मतलब ऑल व्हील ड्राइव चल रहा है इसका, बस डिफरेंशियल लॉक नहीं खुला है। बाकी प्रॉपर रखा, आगे से ऑफ रोडर लगता है, मतलब हर कुछ सही है यार भाई इसमें चीज़। तो भाई हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर, जल्दी से इस लकड़ी के पीस को डालते हैं ट्रेन में और निकलते हैं अगले पीस के लिए। तो ये जो है मैं शायद पहला पीस ला रहा हूँ इस गेम में, टोटल 3 पीसेज हैं, 2 अभी बच रहे हैं। तो मैं रुकूंगा नहीं दिन के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ में निकल जाऊँगा। तो भाई ये डल रहा है धीरे 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 गया ये नीचे। तो ये डल के अपना पीस ये अपलोड हो गया है, तो अगला पीस देखते हैं कहाँ पर अपना और निकलते हैं वहाँ। तो भाई रात को अपनी गाड़ी का हो गया था पेट्रोल ख़त्म, तो मुझे आना पड़ा गैरेज, और गैरेज से अब हम जा रहे हैं लोकेशन पे जहाँ पे ये पड़ा हुआ अपना लकड़ी का तना पड़ा हुआ। और ये लोकेशन है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें जहाँ से मैं लकड़ी के पीस लाया था रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, वहीं भी पड़ा हुआ ये जो मतलब लकड़ी का जो तना है। तो फटाफट वहाँ पर चलते हैं और इसको ले कर आते हैं। पर वहाँ पर ना आप मतलब मुझे जगह देखना, ट्रेन कैसा है, जैसे ना मतलब रास्ते पड़े होते हैं ना, छोटे छोटे रास्ते पड़े होते हैं, ट्रक मेरा बड़ा है, रास्ते छोटे हैं, तो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ट्रक मुश्किल से वहाँ पे ना चल पाता है। मतलब आरपीएम देखना आपकी ट्रक की ना बिल्कुल हाई होती है आरपीएम, और ट्रक बिल्कुल स्लो स्लो स्पीड में बढ़ रहा होता आगे। तो ये हमारा निकल गया पुल, तो बस ये 2 टर्न लेके हम जंगल में मतलब घुस जाएंगे, शॉर्टकट मारेंगे 20 से। भाई साहब ट्रक आ गया अपना पहले गियर में और लगा दी इसने पूरा जोर। इसमें ये सही है जो शीशे है ना, इसमें ना काफ़ी सारे शीशे दिए हुए हैं, तो अंदर से ड्राइविंग मतलब करोगे ना अंदर से बैठ के, तो भी मतलब एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा बनता है ड्राइविंग का। ये देख लो भाई ट्रक की आवाज़ देखो, पूरा जोर लगा दी उसने। तो अब मैं कहाँ से मारूँ, कहाँ से शॉर्टकट मारूँ, ये जगह दिख रही है मुझे, मतलब ये जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं ना जहाँ पे बीच में दिख रहा है, वहाँ से कट मारने की सोच रहा हूँ मैं। गया तो नहीं हूँ मैं इस पहले इसी रास्ते से गया नहीं हूँ मैं, पर देखता हूँ फिर भी कट मार के। अब यहाँ पे कहाँ से रास्ता होगा, तो मैं सोच रहा हूँ ये जो आगे पेड़ हैं छोटे छोटे ही हैं और टूट जाते हैं ट्रक से, यहीं से घुसा देता हूँ। ये अपना शक्तिमान ट्रक चल पड़ा पेड़ों में। भाई साहब पूरी बर्बादी कर दी इसने, पूरी बर्बादी, जंगल तोड़ दिए पूरा ही। ये आ गए बिल्कुल पास आ गए, सामने दिख रहा है मेरे को तना, सामने दिख रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पर चीकड़ बहुत गंदा है।
यहाँ पे ना आगे चढ़ाई बड़ी खतरनाक दिखती है। अब लगेगा हमें पता कि अपना ट्रक कितना कैपेबल है। मेरे तो यार फुल पैसे हैं इस ट्रक पे, ये ट्रक चढ़ जाएगा तो अपना ट्रक फिलहाल पूरे मतलब जोर पे आ गया हुआ है, कैसे न कैसे ऊपर चढ़ना ही इसको। तो ये गया पहला पेड़, भाई सब चढ़ाई बड़ी ज़्यादा खड़ी है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा तेज, और ऊपर से नीचे मिट्टी भी ना फिसलदार मिट्टी है सारी। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो ना मतलब जहाँ मिट्टी नीचे दलदली हो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो पेड़ साइड में होते हैं ना उनको ट्रक से तोड़ते जाओ, मतलब वो नीचे आ जाएंगे ना टायर के नीचे, वो ना मतलब बड़ी ग्रिप देंगे फिर। तो भाई आधा रास्ता अपना हो गया, पार हो गया अपना आधा रास्ता, निकल सकता भाई अपना ट्रक, निकल सकता यहाँ से, निकल जाएगा। और ये निकल गया आधा रास्ता, तो निकल गया अपने ट्रक का। तो भाई जिस सिचुएशन में अपना ट्रक गिरा है ना, ये मतलब इस गेम में मेरी जानकारी में कोई भी ट्रक नहीं है जो इतना मतलब स्टेबल है यार। भाई इतना गंदा गिरा था ना वो, मुझे लगा पलट जाएगा वो। और अगर आप को इस गेम में पता है कोई ट्रक है इससे बढ़िया तो भाई प्लीज़ कमेंट करो। मेरे को पता तो है, आप करोगे तो नहीं कमेंट, पर अगर पता है तो यार भाई कमेंट करो वहाँ पे। भाई अपना ना ट्रक जोर बड़ा लगाता है पर चलता थोड़ा मतलब स्पीड से कम है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका ना इस मिशन के बाद ना जो इंजन नहीं जो ट्रांसमिशन है ना वो अपग्रेड करेंगे उसका, तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। हाँ और थोड़ा मतलब ट्रांसमिशन अपग्रेड करने का फ़ायदा क्या होता है, मतलब लो गियर्स और जो मतलब हाई गियर्स होते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं, तो मतलब जो प्रॉपर किसी भी सिचुएशन के हिसाब से बंदा सेलेक्ट कर सकता है प्रॉपर। तो भाई अपने दो पीस हो गए हैं अपलोड, और यार ये तीसरा पीस ना बड़ी गंदी जगह पे है यार, बहुत गंदी जगह पे है ये। और गंदा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उसके जो मतलब जो रास्ता या ट्रेल जो भी है ना, ट्रेल काफ़ी ज़्यादा टाइट है इस ट्रक के लिए। तो ये ट्रक बड़ा है और छोटा वहाँ पर कोई ले जाने लायक नहीं है, मतलब क्रेन के बगैर वहाँ काम नहीं बनेगा, फिर छोटे में क्रेन नहीं है किसी में। भाई बड़ी गंदी जगह पर दिया, अब मैं इसी से कर रहा हूँ कोशिश, चलो देखते हैं, कोशिश करके लमसम निकाल लूँगा वहाँ से, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे भी।
भाई आगे देखना, मतलब ये ऊंची नीची जगह आ रही है ना, इसमें देखना एयर सस्पेंशन जो है ना, मतलब कितना बढ़िया काम करेगा। एक ना अलग अलग लेवल की मतलब जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो मिलती है इसको देखने में। अब देखना भाई, भाई इसके टायर देखो यार, कितना मज़ा आता है देखने में, कितना ढंग से सस्पेंशन काम कर रहा है। ये सेम सस्पेंशन यार अब इंडिया में भी चाहिए यार भाई, जो लोकल रोड्स है ना बहुत गंदे होते हैं भाई। भाई क्या आपने चेंज नोटिस किया लाइट का? मतलब इतना घना जंगल है ना, जैसे अभी मैं इसकी एंट्री पे मतलब खड़ा हुआ यहाँ पे, आगे देखो कितना अंधेरा है और पीछे मतलब कितनी लाइट थी। और साथ में भाई एक तो रास्ता इतना गंदा, और देखो पीछे देखो लाइट कितनी और यहाँ पे इतना अंधेरा है। तो मैं वो क्या बोल रहा था कि रास्ता इतना गंदा, ऊपर से बारिश लग पड़ी साथ में, तो इसका जो मिक्स है ना अल्टीमेट बनता है फिर। तो इसी चीज़ की बात कर रहा मैं, ट्रेल देखो यार भाई कितनी टाइट है ना, और ट्रक के टायर ना प्रॉपरली इस ट्रेल में ना मतलब आ भी नहीं पाते हैं। तो भाई कहाँ पे जा रहे हैं हम जा रहे हैं तना लेने लकड़ी का तना लेने जा रहे हैं भाई। भाई क्या लोकेशन है एकदम मस्त वाली, ना अंदर जाने का कोई तरीका ना बाहर आने का कोई तरीका, और एक बार अगर अंदर चले गए तो बाहर आने में मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल तो भाई मैं इसको खींच के निकालने की कोशिश करता हूँ बाहर, और शायद यहीं से डल जाए। आ रहा आ रहा भाई, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है बाहर की ओर। शाबाश 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 यार, चल रही है अपनी क्रेन, चलती है, खींच दे यार इसको, खींच दे जल्दी से, डालते हैं और करते हैं इसको पूरा। अभी तो चला हुआ फाइनल टाइटन चला हुआ, जिसमें मतलब मैं ये लकड़ी वाले जो काम है ये पूरे कर रहा हूँ। फाइनली मेरे को जो ट्रेन है ना वहाँ पे, ट्रेन को डिपार्ट करना है वहाँ से, तो ताकि ट्रेन के मेरे मिशन पूरे हो जाएँ। क्या हो गया भाई, काफ़ी भारी है मुझे लग रहा है, दूर से खींच नहीं रहा आराम से। तो ये फाइनली भाई खड्डे के बाहर आ गया है, इसको डालते हैं बीच में ट्रेलर में और चलते हैं, इसको फटाफट से रखेंगे और अगले मिशन पे ट्रेन को छोड़ने के चलते हैं फिर। तो भाई अपनी लकड़ी जो है वो चढ़ गई ट्रक पे। यार ये क्या हो गया, ये क्या बाबा सीर हो गया फिर से। अब इसको फिर से डालना पड़ेगा बीच में, तो जल्दी जल्दी इसको डालता हूँ यार मैं। शायद मेरे ना जो ट्रक की लोकेशन थी वो थोड़ी टेढ़ी थी, मतलब जो बेस था ट्रक का तो गिर गया ये। ओ भाई साहब,
तो यहाँ पे देखना भाई, एक और ना यूजफुल ग्लिच है इस गेम का, अगर खेलते हो ना इस गेम में, तो इसको मैं लेके आ रहा था और थोड़ा निकल गया ये जो टैनी थी बाहर। ये देखो भाई, जो लगेज आपने या कार्गो जो भी लिया होता है ना, वो ना मतलब किसी के साथ में वो इंटरेक्ट नहीं करता किसी चीज़ के साथ में, ये निकल जाता हर एक जगह से। ये सिर्फ ना मैं बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करेगा, कॉन्टैक्ट कहाँ करेगा, ये सिर्फ टच होगा जो पोल्स आते हैं ना इस गेम में सड़क के साइड में, हाँ बस बस वही जो लकड़ी के पोल्स होते हैं उससे कॉन्टैक्ट करेगा, बाकी ये किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं होता ये जो कार्गो अपना। तो दोस्तों अपना मिशन हो गया पूरा, लकड़ी वगैरह हमने डाल दी ट्रेन में, अब नेक्स्ट जो मिशन था जो पहले नहीं हो रहा था अपना ट्रेन डिपार्चर का, उसको करते हैं। तो इसमें क्या क्या, अपनी मेटल बीम्स लानी है 3, और 3 लाने हैं सर्विस वेयर पार्ट्स, और 3 फ्यूल लाने हैं। तो सर्विस वेयर पार्ट तो पास में पड़े हुए थे हैंगरे में, जो मतलब रेलवे स्टेशन में है ना हैंगरे, उसमें पड़े हुए थे, तो वो मैंने ट्रक में कर लिया है लोड। यार भाई कहाँ फंस गया ट्रक ये, तो यार गलती कर दी मैंने ना, 4x4 जो था इसका ऑल व्हील ड्राइव जो ऑन नहीं किया था, और ये गंदे तरीके से स्टक हो गया। अब देखते हैं इसको निकाल के निकलता कि नहीं निकलता, नहीं तो दूसरी ट्रक लाने पड़ेगी भाई। ये नहीं, इंजन भी अपना ट्रेन का ऑन हो गया भाई, इंजन कर दिया ट्रेन वाले ने ऑन, मुझे लग रहा टाइम थोड़ा ही है। तो ट्रेन क्यों रुकी हुई है, क्योंकि इस मिशन में ना जो आगे इसका ब्रिज है वो, तो वो जो ब्रिज है ना वो हमने करना है कम्प्लीट, और उसके लिए हमें चाहिए कुछ, जैसे ये सर्विस पार्ट चाहिए और मेटल बीम चाहिए और फ्यूल चाहिए। फ्यूल इसलिए चाहिए क्योंकि जो फ्यूल स्टेशन है ना, ये जो साइड में मेरे राइट साइड में दिख रहे होंगे जो ब्लू टैंकर्स दिख रहे हैं राइट और लेफ्ट में, इनमें फ्यूल भरना है। ये जो फ्यूल है ना वो मतलब इंजन का ट्रेन यूज़ करेगा अपने आप को रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये भाई निकल ही रहा अपना ट्रक, बहुत बुरा फंस गया यार, देखते हैं कहाँ से फंसा हुआ ये, पीछे भी नहीं जा रहा आगे भी नहीं जा रहा। ओ तेरी यार, मैं बोल रहा था ना पीछे वीडियो में, इस ट्रक में कुछ खामी नहीं है, बस यही है कि जो इसका टैंक है ना वो टैंक नीचे ना फंस जाता है भाई साहब। ये मेरा दूसरा ट्रक था बाहर खड़ा हुआ, इसको ले लेते हैं, हेल्प हेल्प हो जाएगी अपनी। ये भाई हमने सटाक से लगा दी विंच, और ये देखो फटाक से अपना ट्रक आ गया बाहर। इस गेम में ना टाइम जो है बड़ी जल्दी से निकलता है यार, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको बता दो यार बताओ, मतलब इस गेम में थोड़ा टाइम को कैसे स्लो करते हैं इसमें ना, मतलब गेम में रात ज़्यादा देर रहती है और मतलब दिन ना थोड़े देर का ही होता है, वो मेरे को भी समझ नहीं आता। मैं एरिया भी चेंज कर बैठा हूँ, मुझे शुरू शुरू में लग रहा शायद जो रशियन रीजन है बीच में उसी में होगा, पर US रीजन में यही हो रहा है सेम। तो भाई ये पहले हमारे पहुँच रहे हैं, ये वेयर हाउस में हमने पहुँचा दिए स्पेयर पार्ट्स, फटाफट से इनको उतारते हैं और निकलते हैं अगले अगले काम के लिए। तो भाई ये सामने पुल है जहाँ पे ये दिख रहे हैं ना गार्डर्स दिख रहे हैं आधे आधे, मतलब आधा पुल गायब दिख रहा है, यहाँ पे स्टील के जो बीम्स हैं आधे गायब दिख रहे हैं, यहाँ पे पुल कंस्ट्रक्ट होगा ना इसी से। हाँ तो ये क्या था कि मैं ना फिर सीधा ही फ्यूलिंग के लिए निकलाया, फ्यूलिंग जो थी वो जो लास्ट वाला मैंने पेड़ का तना उठाया था ना उसके पास में, ये मतलब कोने में बिल्कुल मैप के, तो सेम रास्ता तो मैंने डालना ठीक नहीं समझा फिर, और वो टाइम का होता है क्योंकि आपने वो रास्ता देखा हुआ है। तो फिलहाल हमने फ्यूल ले लिए यहाँ से, और साथ में मैं सोच रहा हूँ ये ट्रेलर को ले जाएंगे, और ये भाई दिन एकदम नहीं हुआ है, ये क्या था कि ड्राइवर को मेरे लग हो गई थी थकावट,
तो मैंने उसको बोल दिया सो जा भाई सवेरा निकलेंगे। तो इसको मैं तो लेके जा रहा हूँ क्योंकि जो ये मतलब जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ जिस रीजन में खेल रहा हूँ यहाँ पे यार भाई पेट्रोल पंप भी नहीं है। ये पेट्रोल पंप एक है तो ये कोने में जाके है जो असेसिबल नहीं हो रही चीज़ें। तो इस मैं फ्यूल टैंक को लेके जा रहा हूँ, इसको छोड़ दूंगा अपने गैरेज के पास तो वहाँ पे इजी रहेगा फिर रिफ्यूलिंग जो भी मिशन में करनी होती है जो भी मतलब काम होता है आस पास उसमें अच्छा रहेगा फिर। तो फिलहाल मैं टैंकर को लेके निकल रहा हूँ। हाँ और भाई यार इस कोने में आना ना मतलब रास्ते बड़े गंदे हैं यार इधर और इतना चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ से ना मतलब अपने ट्रक को लेके जाना। ये भी देखना पड़ता है कि मतलब ट्रक डैमेज ना हो ऊपर का जो कार्गो वो डैमेज ना हो जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसी जगह में ना अगर गाड़ी पलट जाए ना तो रिकवरी के भी लिए ना मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है रिकवरी के लिए यहाँ पर। भाई साहब ये जगह देख लो, अब देखो किस एंगल पे है ये। तो भाई मैंने जो टैंकर था ऑयल टैंकर था वो छोड़ दिया मैंने गैरेज में और मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन में। जो ये पेट्रोल कार्गो या अपना फ्यूल है इसको छोड़ने, ये छोड़ना पटरी की दूसरी साइड। और मुझे लग रहा है मैंने गलत टर्न ले लिया, अब ये गलत टर्न देखते हैं कैसे सही करेंगे हम। ओ भाई साहब कहाँ घुस रहे हो, यहाँ से नहीं जाएगा। देख लो भाई इस बार मैंने गलती नहीं की बिल्कुल भी, जैसी पिछली बार की थी ना मैंने सीधा ही ट्रक आर पार कर दिया था तो उसमें ना फिर गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। यार भाई यहाँ पे आगे लगे हुए हैं ये लॉग्स, नीचे छोटे छोटे जो पेड़ों के तने हैं वो बच गए हैं, ये ट्रक को जाने नहीं देते हैं। और इंजन भी ऐसी जगह खड़ा हुआ है कि इसने पार जाने की जगह सारी रोक दी हुई है मेरी। कॉम्बिनेशन कुछ खतरनाक बना हुआ है यार भाई यहाँ पे। आराम से ओ नहीं यार डैमेज हो गई टंकी अपनी। चलो फिर भी एंगल अपना ठीक है, टेढ़े एंगल पे ही हम ज़्यादा थे, सीधे एंगल पे नहीं हम। तो भाई बस 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 आ गई अपनी जगह, इनके बीच से निकल जाएंगे अभी हम। फाइनली अपना ट्रक भाई निकल गया इनके बीच से, फटाफट फ्यूलिंग करेंगे इस जगह की हम और निकलेंगे अगले मिशन के लिए जो अपना भाई मेटल बीम्स का। और मेटल बीम्स की भी यार वो वही कहानी है सेम कि पहले मेरे को एक जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से मतलब मेटल रोल्स लेके आने हैं, रोल्स का फिर वो आगे जो फैक्ट्री है वो मेटल बीम्स बनाएगी और जो बीम्स है फिर मैंने देने आके वेयर हाउस में। और अगर आपने मेरे पिछले मतलब कंटिन्यू देख रहे हैं मेरी वीडियोस तो आपको तो पता ही होगा कि मेटल बीम्स या मतलब मेटल बीम्स कैसे बनते हैं मेटल रोल्स से। तो भाई मैं सीधा सीधा ऐसे किया कि मतलब एक बार में ना एक ही आना था इसमें मेरे ट्रक में, या तीन भी आ जाते हैं तो तीसरे वाले में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो ना वर्टिकल करके स्टैक करना पड़ता है इन दोनों के साथ में। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने बोला यार भाई इतना वो नहीं करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो सीधा ही मैंने दो एक के ऊपर एक लगाई और जल्दी से आगे मैं लेके इनको स्टील फैक्ट्री से जो अपनी स्टील रोल फैक्ट्री के ऊपर वहाँ से। एक तो भाई जब ना मतलब और कोई भी कार उस गेम में ना मतलब इतना फील नहीं कराता कि वेट है मतलब आपकी गाड़ी में, पर जब ना ये मेटल बीम डालो ना आप गाड़ी में तो ये ना वेट फील कराती है, मतलब पावर ज़्यादा लगती है उसी सेम जगह में चढ़ने के लिए। तो क्या हुआ ये आ नहीं रहे हैं, ये मेरे को पता क्यों नहीं आ रहे हैं। एक पहले ना उठा के रखना पड़ेगा आगे पीछे ताकि सिस्टम डिटेक्ट कर पाए कि ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसको कर लेते हैं आगे पीछे सरका देते हैं, थोड़ा खुद हो जाएगा डिटेक्ट ये। ठीक है ठीक है, इधर इधर ही फेंक देता हूँ मैं। नहीं भाई नहीं अभी भी नहीं आ रहा, इसको नीचे उतारना पड़ेगा शायद।
तो भाई इस पोजीशन में ना मेरी मतलब होगी थी डिटेक्ट, वो दो मेटल बीम्स, ये लास्ट वाली है। अब देखते हैं भाई, ट्रेन डिपार्चर का टाइम आ गया फाइनली। अब ये अपन मेटल बीम दे दी है, और ये जो मेटल बीम्स हम लाए थे पीछे या जो भी स्पेयर पार्ट्स लाए थे उससे अपना पुल हो गया कंस्ट्रक्ट। यार भाई फाइनली अपनी ट्रेन जा रही है, और अपने जो भी ट्रेन मिशन थे वो एंड हो रहे हैं सारे। बहुत जल्दी स्पीड पकड़ी यार भाई ट्रेन ने। भाई ट्रक की पोजीशन देखो, अब ट्रक की लाइट में ट्रेन चमकेगी ना, वो बड़ा सही बन रहा है यहाँ पे। सो फाइनली भाई थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए और वीडियो देखने के लिए। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरे अगले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें।